हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है जो अपन कैसे डिसाइड करें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जनरली एनिमल्स के लिए अपन देख के बोलते हैं, अगर उसके अंदर मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो बोलते हैं वो लिविंग एनिमल्स है। और अगर प्लांट ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस कर रही होती है और उसके अंदर ग्रोथ होता है, तो बोलते हैं वो लिविंग है। लेकिन बहुत सारी दोस्तों ऐसे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जिसका मूवमेंट आपको विजिबल नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो वो भी लिविंग है दोस्तों। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल मूवमेंट को देखकर अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। फिर अपन कैसे डिसाइड करें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? उसके लिए कुछ मॉलिकुलर मूवमेंट्स होती है, सेल के अंदर मूवमेंट होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं, बट अगर वो मॉलिकुलर मूवमेंट होती है तो आप बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर मॉलिकुलर मूवमेंट या मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती है उसके अंदर, नॉन लिविंग है। फिर अपने को दे रखा है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है तो कुछ प्रोसेसेस जरूरी होती है जो कि मेंटेनेंस वर्क कर सके। तो उन्हीं प्रोसेस को अपन लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं हो तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हो रह सकता है। तो जो जरूरी प्रोसेस है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे अपन लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अपना चार लाइफ प्रोसेस होता है दोस्तों जो एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला तो अपना न्यूट्रिशन होता है, सेकेंड अपना रिस्पिरेशन होता है, थर्ड अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड लास्ट वन एक्सक्रीशन होता है। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं ये क्या प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन दोस्तों वो प्रोसेस होता है जिसे अपन खाना खाते हैं, और खाना का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ऐसा मान लीजिए, जो आपने एक खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, कार्बोहाइड्रेट गया, उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके अपने को अल्टीमेटली ग्लूकोज देगा। इसी तरह से अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो दोस्तों प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और प्रोटीन से अपने को अमीनो एसिड्स मिलेंगे। इस प्रोसेस को अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में दोस्तों अपने को एनर्जी रिलीज होता है। रिस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है, एक ब्रीदिंग होता है जिसे अपन एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं, लंग्स के थ्रू O2 आता है और फिर ब्लड के थ्रू सेल में जाता है। अब O2 के हेल्प से अपन सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज करवाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस अपना दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, आप जो खाना खाए थे उसका डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन होने कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद दोस्तों वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है अपने ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड के अंदर जाके उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट होकर वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। अब आपका रिस्पिरेशन अगर जब हो गया है तो उसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनती है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका बॉडी से रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन में मेन ऑर्गेन अपना किडनी होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। किडनी से अपन ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे अपन यूरिन के फॉर्म में यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और फिर स्वेटिंग भी होता है तो स्वेटिंग से भी अपन एक्सक्रीशन करते हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स? तो दोस्तों इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, इस वजह से आप सिंपल डिफ्यूजन से जो है उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? तो कौन सा क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए जो कोई अलाइव है? तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल सा लिखना है, जो वी कैन यूज द मॉलिकुलर मूवमेंट, इफ मॉलिकुलर मूवमेंट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म देन वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो कौन से आउटसाइड मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है? तो आउटसाइड मटेरियल में दोस्तों जैसे न्यूट्रिशन के लिए अपने को फूड चाहिए, तो फूड क्या हो गया, अपना आउटसाइड मटेरियल हो गया। इसी तरह रिस्पिरेशन के लिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या हो गए, आउटसाइड मटेरियल हो गए। तो अपन बोल सकते हैं फूड एंड ऑक्सीजन वी कैन यूज एज अ आउटसाइड मटेरियल फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो कौन कौन से प्रोसेसेस एसेंशियल होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए? तो वो लाइफ प्रोसेस आप चारों लिख सकते हैं, पहला न्यूट्रिशन, सेकेंड अपना रिस्पिरेशन, थर्ड वन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू।